अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा 9th क्लास जनरल मैथ, उसकी मश्क नंबर 2.1 चैप्टर नंबर 2 है। तो देखिए, ये मश्क इंतहाई अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहम है और मुश्किल नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे ख्याल से आप पहली बार ही इसको, इस मश्क को समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको केयरफुली समझना है। और हाँ, जब भी आप क्वेश्चन कर रही हूँ, मैथ कर रही हूँ, तो आपके पास नोटबुक और पेंसिल लाजमी होनी चाहिए। नोटबुक और पेंसिल अगर आपके पास होगी तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप 100 में से 100 नंबर भी ले सकते हैं, मतलब कि 75 में से 75 नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उस वक्त ही होगा मुमकिन जब आपके पास नोटबुक और पेंसिल होगी, और साथ साथ आप नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर हमारे पास एक है, सोने की मालियत हमारे पास 11,10,000 रुपए है, तो उस पर ज़कात मालूम करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने लिखना है सोने की मालियत कितनी है। सोने की जो मालियत है वो है हमारे पास 11,10,000, ठीक है। अच्छा, अब ज़कात की शरह कितनी होती है ये आप लोगों ने खुद याद रखना है। ज़कात की शरह, ज़कात की शरह हमारे पास होती है 2.5%। तो इसकी ज़कात कैसे निकालेंगे, 11,10,000 रुपए हैं, इसकी ज़कात निकालने के लिए आपने क्या करना है, 2.5% से ज़रब कर देना है। अब देखें, 11,10,000 ज़रब, एक तो ये है कि आपने फ़ीसद को ख़त्म करना है। जब फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो 100 पे क्या करना है, तकसीम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये इशारिया भी ख़त्म करना है, तो इशारिया ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, आपने 10 से भी मज़ीद डिवाइड करना है। याद रखना है, ये इशारिया ख़त्म करेंगे तो आपने 10 पे तकसीम करना है, और फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो 100 पे तकसीम करना है, 10 भी और 100 भी, ठीक है। इशारिया ख़त्म किया तो ये 10 आ जाएगा, फ़ीसद ख़त्म किया तो ये 100 आ जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, ये 3 ज़ीरो बनती हैं, ये 3 ज़ीरो आपने यहाँ पर 3 ज़ीरो से काट देनी है, कैंसिल कर देनी है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1,110 और ये 25 बचेगा, इनको ज़रब कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको ज़रब कर देता हूँ, 1,110 ज़रब 25, तो ये आ जाएगा 27,750, 27,750 रुपये, ये ज़कात आएगी, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, सच्ची आ गई है ना, गुड हो गया। अब सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया, उसमें कहा है कि चांदी की जो मालियत है वो 3,00,000 रुपए है। यहाँ पे आप लिखेंगे चांदी की मालियत वो कितनी है, हाँ 3,00,000 रुपए, ठीक है। ज़कात की शरह कितनी है वो भी आप लोगों को पता है, ज़कात की शरह वो कितनी है, 2.5%, ठीक है। तो इसकी ज़कात कैसे निकालेंगे, चांदी की मालियत की ज़कात वो कैसे निकालेंगे, वो ये पहले ये लिखेंगे 3,00,000 रुपए, ठीक है, और फिर ये 2.5%। अब आपने क्या करना है, वही तरीका कार के इशारिया भी ख़त्म करना है और फ़ीसद भी ख़त्म करनी है। फ़ीसद ख़त्म करेंगे तो ये 100 आएगा, इशारिया ख़त्म करेंगे तो ये 10 आएगा। अब ये कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो ये 3 ज़ीरो से कट जाएंगी, बाकी हमारे पास यहाँ पर बचेगा 300.25। अब ये 300 को 25 से ज़रब कर दें, सिंपल सा काम है, 25 से ज़रब कर देना है, तो ये आ जाएगा 7,500। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। सवाल नंबर 3 है, 10 तोले सोना है, 40 तोले चांदी है, दो चीज़ें हैं, 10 तोले सोना, 10 और 40 तोले चांदी है, इसकी ज़कात मालूम करनी है। सोने की जो कीमत है वो 40,000 रुपये फी तोला है, चांदी की जो कीमत है वो 5,000 रुपये फी तोला है, ठीक है। अब हमने टोटल इसकी पहले कीमत निकालनी है कि इसकी टोटल कीमत कितनी बनती है। सबसे पहले तो आपने लिखना है कि सोने की कीमत फी तोला वो कितनी है, 40,000 रुपये, ठीक है। तो सोना कितना हमारे पास, सोना हमारे पास है 10 तोले, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 तोले सोने की कीमत कितनी होगी, तो वो हमने क्या करना है, 40,000 ज़रब 10, तो वो कितना बन जाएगा, 10 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 4,00,000, ठीक है, 4,00,000 रुपए।
उसके बाद आपने देखना यह है कि चांदी की फी तोला कीमत कितनी है। यहाँ पर आप लिखेंगे चांदी की फी तोला कीमत वो कितनी है, वो है 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये आप यहाँ पे रुपया साथ में लिख लेना। ठीक है, उसके बाद चांदी हमारे पास टोटल है कितनी, 40 तोले। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 40 तोला चांदी की कीमत वो कितनी बनेगी, 5,000 ज़रब 40। ठीक है, तो 40 से ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 5 20, 3 ये 0 और ये 4, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2,00,000 रुपये। अब जो कुल कीमत है वो अब यहाँ पर लिखेंगे, कुल कीमत वो कितनी बनेगी, 4,00,000 जमा 2,00,000। ठीक है, इनको जमा करेंगे तो कितनी बनेगी, 6,00,000। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे 6,00,000 रुपये कुल कीमत आ गई है। अब इसकी हमें ज़कात निकालनी है, तो ज़कात कैसे निकालेंगे, ठीक है, कुल कीमत की ज़कात, कुल मालियत की ज़कात, तो वो कितनी आएगी, 6,00,000 ज़रब 2.5%। ठीक है, तो 6,00,000 ज़रब 2.5% को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे नीचे 100 आएगा, और इशारिया को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो से ये कट जाएंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे रह जाएंगे 2 जीरो, 600, और यहाँ पे आ जाएगा 25, और 600 को 25 से ज़रब कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 600 ज़रब 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000। 15,000 रुपये हमारी जो ना वो ज़कात आ जाएगी। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, सोने की मालियत 8,00,000 रुपये है, नकद रकम उसके पास 4,00,000 रुपये है, चांदी जो ना उसके पास 50 तोले है, तो ये सारी रकम इसको मिलाकर उसकी ज़कात मालूम करें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास सोने की मालियत कितनी है, सोने की जो मालियत है वो कितनी है, वो है 8,00,000 रुपये। ठीक है, 8,00,000 रुपये। उसके बाद नकद रकम कितनी है, नकद रकम वो कितनी है, वो है हमारे पास 4,00,000 रुपये। ठीक है, 4,00,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद चांदी, चांदी के रुपए हमने निकालने हैं, तो हमें पता है फी तोला चांदी की जो कीमत है वो कितनी है, वो है 5,000 रुपये। 1 तोला चांदी की कीमत कितनी है, 5,000 रुपये, और चांदी है कितनी, 50 तोले, तो 50 तोला चांदी की कीमत कितनी होगी, 50 तोला चांदी की कीमत कितनी होगी, 50 से इसको ज़रब कर देंगे, 5,000 ज़रब 50, 5 को 5 से ज़रब करेंगे तो 25, 3 ये 0 1 ये 4, तो ये आ जाएगा 2,50,000 रुपये। ये चांदी की कीमत आ गई है। अब कुल कीमत निकालनी है आपने, कुल कीमत कैसे निकालेंगे, कुल कीमत हमारे पास आएगी सोने की मालियत, सोने की मालियत जमा नकद रकम, ठीक है, नकद रकम जमा चांदी की कीमत, चांदी की कुल कीमत, इन तीनों को हमें जमा करना है। सोने की कीमत हमारे पास कितनी है, 8,00,000 रुपये, नकद रकम कितनी है हमारे पास, 4,00,000 रुपये, ठीक है, और चांदी की कीमत हमारे पास कितनी आई है, चांदी की कीमत आई है 2,50,000 रुपये। इन तीनों को जमा करेंगे, 8,00,000 और 4,00,000 12,00,000, 12 और 2 14,00,000, 14,50,000 रुपये, 14,50,000, ये हमारे पास आ गया कुल रकम। अब ज़कात हमने मालूम करनी है, तो ज़कात कैसे मालूम करेंगे, ज़कात मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, ये रकम लिखनी है 14,50,000 रुपये, और हमने 2.5% इस ज़रब का देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये फ़ीसद भी ख़त्म करनी है, फ़ीसद ख़त्म करेंगे तो ये 100 आएगा, इशारिया ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा। अब ये 3 जीरो हैं, तो ये 3 जीरो 3 जीरो से कट जाएंगी, बाकी हमारे पास 1,450 ज़रब 25, तो ये 1,450 को आपने 25 से ज़रब का देना है। ठीक है, 1,450 ज़रब 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36,250, 36,250 रुपये ये हमारे पास ज़कात आ जाएगी।
होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। सवाल नंबर 5 है, कुदरती जराये से पैदाशुदा चावल की फसल मालियती 6 लाख रुपए, उस पर यूशन मालूम करें। और सवाल नंबर 6 में दिया हुआ, मसनूई जराये से पैदाशुदा गंदम की फसल की मालियती 3,50,000 रुपए, उस पर यूशन मालूम करें। तो यहाँ पे दो चीजें, एक कुदरती है और एक मसनूई है। जब आपसे कुदरती जराये से कहा गया हो, ठीक है, तो उसकी जो उश्र होता है वो 10% होता है। कुदरती जराये का जो उश्र है वो 10% होता है। मसनूई जराये से जो फसल पैदा होती है या उसकी जो मालियत होती है उस पर उश्र जो है वो 5% होता है। दोनों में फर्क याद रखना है। कुदरती जराये की जो फसल है उस पर 10% उश्र आएगा और जो मसनूई जराये से जो फसल होगी उस पर 5% उश्र आएगा। तो दोनों में फर्क याद रखना है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आएगा, चावल की फसल मालियती वो कितनी है, 6 लाख रुपए, ठीक है। और उशर कितना है, उशर की शरा वो कितनी आएगी, 10%। तो यहाँ पे हमने उशर मालूम करना है, तो वो कितना, 6 लाख रुपए ज़रब 10%। तो हमने क्या करना है, 6 लाख रुपए 10% को ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। तो यहाँ पे देखिए, एक जीरो से कट गई, बाकी ये एक जीरो यहाँ से कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 60,000 रुपए, ठीक है, 60,000 रुपए हमारे पास उशर आ जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम मसनूई ज़राए से मालूम करते हैं, मसनूई ज़राए से जो पैदाशुदा गंदम की फसली मालियत, यहाँ पे हम लिखेंगे गंदम की फसल मालियती वो कितनी है, फसल की जो मालियत है वो है हमारे पास है 3,50,000 रुपए। और उशर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे उशर की जो शरा है वो हमारे पास आएगी 5%, ठीक है। तो यहाँ पे उशर हमने मालूम करना है, उशर कैसे मालूम करेंगे, 3,50,000 ज़रब 5%। तो देखिए, 3,50,000 5% को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100, ये दो जीरो से कट जाएगी, बाकी हमारे पास ये रह जाएगा 3,500 ज़रब 5। अब इसको ज़रब कर लेंगे, 5,000 5,25 हासिल 2, 5,3 15 और 2 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17,500 रुपये, ये उशर आ जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। सवाल नंबर हमारे पास है 7, अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये की मालियत जायदाद छोड़ी हो, ले जी एक बंदा तो मर गया, जायदाद छोड़ के चला गया, उसकी एक बेवा है, ठीक है, एक उसके पीछे बीवी रहेगी, दो बेटे हैं और एक बेटी है, इसकी हर एक की जायदाद में कितनी 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 मालियत आती है या कितना कितना हिस्सा आता है वो आपने मालूम करना है। तो वो मैं आप लोगों को तरीका कर बताता हूँ कि आपने कैसे कैसे याद रखना है। सबसे पहले बात कि अगर उसके बेटे और बेटियाँ हों तो फिर जो बेवा का हिस्सा होता है ना वो 1/8 होता है, आठवां हिस्सा आता है, उसको याद रखना। आठवां हिस्सा कब आएगा, जब उसकी औलाद हो, बेटे बेटियां हों, तो उस वक्त क्या होगा, बेवा को आठवां हिस्सा मिलेगा, मतलब कि 1/8। और जो बेटा है उसको दुगना मिलेगा बेटी की नस्बत, बेटी को एक हिस्सा, बेटे को दो हिस्से मिलेंगे, ये याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में ये तरीकाकार होगा कि अगर एक बंदा मर जाता है, उसकी एक बेवा है, दो बेटे हैं, एक बेटी है, मतलब कि एक बेवा हो और आगे औलाद हो उसकी, तो बेवा को आठवां हिस्सा मिलेगा और जो बेटे हैं उसको दो हिस्से मिलेंगे, ठीक है, एक बेटे को दुगना मिलेगा बेटी की नस्बत और बेटी को एक हिस्सा मिलेगा, बेटी को एक हिस्सा, बेटे को दो हिस्से मिलेंगे। तो कैसे करना आपने यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपने देखना है कि मालियत, कुल मालियत कितनी है, कुल मालियत हमारे पास है 7,50,000 रुपये है, ठीक है। अच्छा, बेवा का हिस्सा कितना आएगा, बेवा का हिस्सा वो कितना आएगा, 7,50,000, ठीक है, ज़रब 1/8, आठवां हिस्सा मैंने बोला था, कितना, आठवां हिस्सा। तो सिंपल सी बात है, ये जो 7,50,000 रुपये ना, 7,50,000, ठीक है, इसको आपने तकसीम कर देना 8 पे, तो वो आ जाएगा 93,750 रुपये, ये बेवा का हिस्सा है। अब हमने क्या करना है,
इसमें से बेवा का हिस्सा निकाल देंगे, उसको दे देंगे इसमें से, ठीक है। तो बाकी हिस्सा, बाकी मालियत कह लें यहाँ पे, बाकी जो मालियत है वो बचेगी 7,50,000 में से ये 93,750 ये माइनस कर देंगे, ठीक है। 7,50,000 में से ये हम माइनस कर देंगे 93,000, तो ये आ जाएगा 6,56,250, 6,56,250 रुपए, ठीक है। बाकी मालियत बच गई है, हमने बेवा का हिस्सा उसको दे दिया है, आठवां हिस्सा कब देना है, जब उसकी औलाद हो। अब बेटे और बेटियों का हिस्सा, बेटे और बेटियों का हिस्सा वो कैसे आएगा, देखिए यहां पे देखिए बेटे कितने हैं, दो, तो मैंने बोला कि बेटे को दो हिस्से दुगना आता है, एक बेटे को उसको भी दुगना, दूसरा बेटा उसको भी दुगना, और जो बेटी है उसको एक हिस्सा, ठीक है। दो बेटे हैं ना, एक बेटे को दो हिस्से, दूसरे बेटे को भी दो हिस्से मिलेंगे, और जो तीसरी बेटी है उसको एक हिस्सा मिलेगा। जायदाद में से बेटी को एक हिस्सा, बेटे को दो दो हिस्से मिलते हैं, ये मैंने बता दिया। अब देखिए टोटल कितने बनते हैं, ये टोटल हमारे पास पांच बनते हैं। अब यहां पे आप लिखना है हर बेटे को, हर बेटे का हिस्सा, हर बेटे का हिस्सा कितना आएगा, बेटे का हिस्सा दो दुगना आएगा पांच में से, और यहां पे कीमत कितनी है 6,56,250, ठीक है। जो बेटे का हिस्सा होता है, टोटल हमारे पास पांच हिस्से हैं, ठीक है। हर बेटे को हिस्सा कितना आएगा, दुगना आएगा, हर बेटे को कितना हिस्सा आएगा, दुगना आएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास पांच हैं। अब आपने क्या करना है, इसको दो से ज़रब कर देना, ठीक है, दो से ज़रब कर देना और पांच पे तकसीम कर देना, पांच पे तकसीम कर दे तो ये आ जाएगा 2,62,000, 2,62,500 रुपए, ये हर हर एक बेटे का हिस्सा आ गया। अब आगे आपने लिखना है बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा पांच में से कितना है, एक है, एक बटा पांच, जरा रकम कितनी है 6,56,250, तो 6,56,250 को पांच पे तकसीम कर दें, 6,56,250 तकसीम पांच, पांच पे तकसीम कर देंगे तो यह आ जाएगा 1,31,000, 1,31,250 रुपए, ये बेटी का हिस्सा आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को हल करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। सवाल नंबर आठ है हमारे पास, उसमें दिया हुआ अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा, एक शख्स मर गया है, जान छुड़ा गया है, उसके पीछे एक बेवा रह गया और चार बेटियां उसकी हैं, तो वो कितने पैसे छोड़ के गया, 4,00,000 रुपया छोड़ के चला गया। अब इनमें से हर एक का हिस्सा मालूम करना है कि बेवा का कितना हिस्सा होगा, बेटियों का कितना हिस्सा होगा, बड़ा आसान तरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बेवा है उसका 1/8 हिस्सा होगा, आठवां हिस्सा आएगा, और आठवां हिस्सा कब आता है, जब उसकी आगे औलाद हो, जब उसकी आगे औलाद हो, तो आगे इसकी औलाद मौजूद है तो उसको आठवां हिस्सा मिलेगा और बेटी को एक हिस्सा मिलता है, बेटी को एक हिस्सा मिलता है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पहले तो आप लिखेंगे कुल मालियत, कुल मालियत कितनी है 4,00,000 रुपये, ठीक है, 4,00,000 रुपये मालियत है। बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा निकालेंगे हम, ठीक है, बेवा का हिस्सा हम निकालेंगे, तो बेवा का हिस्सा कितना निकालेंगे 1/8, 4,00,000 में से, ठीक है, तो कैंसिल करेंगे 8,5,40, बाकी रह जाएगा ये 1, 2, 3, 4, 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये ये बेवा का हिस्सा है, बेवा का हिस्सा। बाकी हिस्सा, बाकी हिस्सा कितना रह जाएगा, 4,00,000 में से, 4,00,000 में से 50,000 जो ना वो माइनस कर देंगे, बाकी रह जाएगा 3,50,000, ठीक है, ये हमारे पास बाकी रह जाएगा। अब हमारे पास बेटियां कितनी हैं, चार बेटियों का हिस्सा, या यहाँ पे लिखेंगे बेटियों का हिस्सा, यहाँ पे देखिए बेटियां कितनी हैं, चार हैं, हर एक बेटी को कितना हिस्सा मिलता है, 1 + 1 + 1 + 1, इसका मतलब ये होगा जो बाकी रकम बच गई ना उसके चार हिस्से करने हैं, चार बेटियां हैं, चार उसके हिस्से करने हैं, ठीक है,
एक एक हिस्सा मिलेगा हर बेटी को, तो ये टोटल कितनी है, चार। अब आपने यहाँ पर लिखना है हर एक बेटी का हिस्सा, हर एक बेटी का हिस्सा वो कितना आएगा, हर बेटी का एक हिस्सा है और टोटल कितनी है, चार। जरब यहाँ पे कीमत कितनी है, पैसे कितने हैं, 350,000 रुपये, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देना, 350,000 को चार पे तकसीम कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तकसीम कर देता हूँ, 350,000 तकसीम चार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 87,500 रुपये। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, सवाल नंबर 9 में दिया हुआ, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा छोड़ दी और 15 लाख रुपया छोड़ दिए, छोड़कर चला गया, तो उसकी बेवा के हिस्से की मालिक मालूम करें, बेवा को कितना हिस्सा आएगा। सिर्फ एक बीवी है और वो बेचारा फोत हो गया, चला गया इस दुनिया से, तो साथ 15 लाख रुपया भी छोड़ गया, तो बेवा को कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कुल मालियत, कुल मालियत कितनी है, 15 लाख रुपये, ठीक है, 15 लाख रुपए उसकी मालियत है। और हमने मालूम करना है बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा आएगा यहाँ पे 1/4, चौथा हिस्सा आएगा 15 लाख में से, ठीक है। अच्छा, अब 15 लाख को चार पे तकसीम कर दें, 15 लाख को चार पे तकसीम कर दें, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 लाख तकसीम चार, तो यह आएगा 375,000 रुपए, ये उसकी बीवी को मिलेंगे। इतना सा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 10 है, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा छोड़ दिया, एक उसकी बीवी है और दो उसके बेटे हैं, बेचारा चला गया, उसकी विरासत में उस वो साथ ही ये 20 लाख रुपए भी छोड़ दिए उसने, और उसका हर एक का हिस्सा मालूम करें कि बेटे को कितने हिस्से आएंगे और बेवा को कितना हिस्सा आएगा, ये हमने मालूम करना है। बड़ा आसान सा ये भी क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे कुल मालियत कितनी है, कुल मालियत हमारे पास है 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए। उसके बाद बेवा का हिस्सा निकालेंगे, यहाँ पे बेवा का हिस्सा वो कितना आएगा, 1/8। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर तो आपने लिखा था 1/4 और यहाँ पे आप लिख रहे हैं 1/8। देखिए, यहाँ पे ऊपर जो ना सिर्फ बेवा है, उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बेटे भी हैं, बच्चे भी हैं। जब उस बेटे भी हों या बेटियां हों तो उस वक्त उसको आठवां हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर उसकी औलाद ना हो तो उसको चौथा हिस्सा मिलेगा, ये फ़र्क याद रख लें। अब इसको कैंसिल कर लें, 20 लाख को 8 पे तकसीम कर लें, ठीक है, 20 लाख को 8 पे तकसीम कर लें, तो आ जाएगा 2,50,000 रुपये, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद बेटे कितने हैं, बेटों का हिस्सा वो कितना है, देखिए हमारे पास दो बेटे हैं, हर बेटे को दो दो हिस्से मिलते हैं, ये आप लोगों को पता है, तो टोटल हमारे पास चार हिस्से हो जाएंगे। हर एक बेटे का हिस्सा, हर एक बेटे का हिस्सा वो कितना आएगा, टोटल हर बेटे को दो हिस्से मिलते हैं और टोटल कितने हैं, चार। जरब, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं की, वो ये है कि जो बाकी रकम है ना, बाकी मालियत वो मैंने लिखी नहीं है, वो गलती से मुझे भी भूल गया, ये जो 2,50,000 रुपये ना, ये इसमें से माइनस करना है 20 लाख में से, ठीक है, 20 लाख में से ये माइनस करेंगे 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास बाकी कितना रह जाएगा, 20 लाख में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 2,50,000 रुपये, तो ये 1,75,000 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, 17,50,000 रुपये हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। ये उसके उसकी बीवी का हिस्सा निकाल दिया, बाकी ये जो हिस्सा बच गया ना, ये उनके बेटों का है, और कितना कितना हिस्सा आएगा वो हमने मालूम करना है, 17,50,000। अब इसको दो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो जवाब आएगा उसको चार पे तकसीम कर देना है, तो ये आ जाएगा 8,75,000, 8,75,000 रुपये जो ना, ये हर एक का हिस्सा आएगा, हर एक बेटे को इतना मिलेगा, 8,75,000 रुपये, ठीक है।
होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो सवाल नंबर 11 है, सवाल नंबर 11 में दिया हुआ, असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपए की छोड़ी। उसने अपने पीछे एक बेवा, एक उसकी बीवी है, तीन बेटे हैं, चार बेटियां हैं, हर एक का हिस्सा मालूम करें। ठीक है, हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है कुल मालियत। कुल मालियत कितनी है? 4,80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा कितना आएगा? 1/8। 1/8 उस वक्त लगाते हैं जब उसके बच्चे हों, तो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। 4,80,000 रुपये, 4,80,000 को 8 पे तकसीम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48, ये आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये किसका हिस्सा आया है? ये बेवा का हिस्सा। बाकी जो मालियत है वो कितनी, बाकी मालियत कितनी बचेगी? 4,80,000 में से 60,000 जो ना वो हम माइनस कर देंगे, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो 4,20,000 ये बचेंगे। ठीक है, ये बाकी मालियत बच गई, बेवा का हिस्सा हमने निकाल दिया। अब ये जो बाकी बचा है, इसमें से तीन बेटे हैं और चार बेटियां हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेटों और बेटियों का हिस्सा वो कितना होगा? देखिए, आपको पता है बेटे जो ना वो कितने हैं? तीन बेटे हैं, तो हर बेटे को दो दो हिस्से मिलते हैं। टोटल तीन बेटे हैं, हर बेटे को दो दो हिस्से मिलते हैं। और आगे चार बेटियां हैं, हर बेटी को एक एक हिस्सा मिलता है। इनको जमा करें, टोटल कितने हिस्से बनेंगे? 6, 4, 10 हिस्से बनेंगे। ठीक है, हर बेटे को दो दो हिस्से, तीन बेटे हैं तो ये तीन आएंगे दो दो, चार बेटियां, बेटी को एक हिस्सा मिलता है तो चार जो ना वो एक ही का आएगा। इनको जमा करें 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे हर एक बेटे का हिस्सा, यहाँ पे लिखेंगे हर बेटे का हिस्सा, वो कितना आएगा? बेटे को दो हिस्से मिलते हैं, टोटल कितनी है? 10। जरब ये बाकी जो हमारे पास बचा है 4,20,000 रुपये। ठीक है, 4,20,000 को दो दो से जरब कर देना है। ठीक है, 4,20,000 जरब दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,40,000, इसको 10 पे तकसीम कर देना है। ठीक है, दस पे तकसीम कर दें तो ये आ जाएगा 84,000। हर बेटे का जो हिस्सा, हर बेटे को 84,000 रुपया मिलेगा। हर बेटे को कितना मिलेगा? 84,000 रुपया। अब हर बेटी का हिस्सा कितना आएगा? हर बेटी का हिस्सा वो कितना आएगा? बेटी को एक हिस्सा मिलता है और टोटल कितने हिस्से हैं? 10 हैं। और यहाँ पे कीमत कितनी है, मालियत कितनी है? 4,20,000 रुपये। 4,20,000 को 10 पे तकसीम कर दें तो ये 1010 से कट जाएगी, बाकी यहाँ पे 42,000 रुपए लें जी। ये था आसान तरीन सवाल, को मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए सवाल नंबर 12 है, नजीब ने 4,00,000 रुपया छोड़ा और बेचारा फोत हो गया। पीछे उसके एक बेवा थी और उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, उस बेवा का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे कुल मालियत। तो कुल मालियत कितनी है? वो है 4,00,000 रुपए, 1, 2, 3, 4, 5, 4,00,000 रुपए। ठीक है, बेवा का हिस्सा कितना आएगा? बेवा का हिस्सा वो आप बताएंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे या 1/8 लिखेंगे, सही बताना है। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, 1/4 लिखेंगे, क्योंकि औलाद नहीं है ना, अगर औलाद हो तो फिर हम 1/8 लिखेंगे, अगर औलाद ना हो तो फिर 1/4 लिखेंगे। 1/4 = 40, 4,00,000। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे, 4 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,00,000, 4 × 1 = 4, बाकी ये 5, 0, 7 वैसे का वैसे 1,00,000 रुपया इसका हिस्सा आएगा। ठीक है, 1,00,000 रुपया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।